नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर जनपद औरैया से आ रही है। ऑनर किलिंग में महिला की गला दबाकर हत्या, हत्या कर शव डाला नहर में। जनपद औरैया की पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीति के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक की देखरेख में एवं पुलिस उपाधीक्षक मुकेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विधुना की राजकुमार सिंह राठौर ने उस समय बड़ी सफलता हासिल की जब एक वर्ष पूर्व दर्ज मुकदमे में वांछित 10 अभियुक्तों में से 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर मामले का पर्दाफाश कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली बिधुना की चौकी बदनपुर के अंतर्गत गांव बेलपुर निवासी शीतला देवी पुत्री शिवपाल सिंह ने अपने ही गांव निवासी जगराज से अंतरजाति विवाह कर लिया था। इस विवाह के चलते महिला के परिजन अत्यंत गुस्से में थे। तब इस शादीशुदा जोड़े ने कानून का सहारा लिया और गाजियाबाद में जाकर रहने लगे। तब कुछ समय पश्चात योजनाबद्ध तरीके से महिला के परिजनों ने उस पर वापस लौटने का दबाव बनाया। तब महिला अपने पति के साथ वापस लौट रही थी तो भगत सिंह चौराहे पर उसके परिजनों ने महिला को जबरदस्ती अपने कब्जे में करके अपने साथ ले गए। इसके बाद शीतला देवी का कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद परिजनों ने एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से महिला को गला दबाकर हत्या कर दी और शव को उमरदा नहर में डाल दिया। धीरे धीरे जन चर्चाओं में आधार पर महिला के पति जगराज ने थाने में सुसंगत धाराओं के मुकदमा दर्ज कराया। इसी के तहत पुलिस उपाधीक्षक मुकेश प्रताप सिंह ने टीमें गठित की और नामजद अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। जब तारी कटने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह राठौर, कांस्टेबल विजयराज गुप्ता, कांस्टेबल कैलाश राजपूत, कांस्टेबल कुंवर आकाश एवं महिला कांस्टेबल पूजा शामिल रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए राहुल प्रजापति की रिपोर्ट। उनकी शादी पदमपुर के ही उनके गांव के निवासी सालनी से हुई थी, जो कि पाल जाति की थी और वो हर जाति के थे, जिसके संबंध में प्रेम प्रसंग के कारण उन्होंने भाग के शादी कर ली थी। लड़की के परिवारी जनों ने उसके विरुद्ध मुकदमा लिखाया गया था। कोर्ट में लड़की प्रस्तुत की गई और कोर्ट की अनुमति से और उसमें जो है लड़के को सुपुर्द की गई, वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। फिर अतिरिक्त दबाव देकर लड़के को और लड़की को गाजियाबाद से बुलाया गया लड़की के परिवारी जनों द्वारा, और 22 जुलाई 2019 को भगत सिंह चौराहे के पास लड़की के घर वालों ने लड़की से छीन लिया और जबरदस्ती कुछ कागजों पर साइन करा दिया। उसके बाद लड़की के घर वाले प्रेशर डालते रहे कि दूसरी जगह शादी करो, लड़की इसमें तैयार नहीं हुई। इसमें कि प्रांतीय जगदार ने बताया है कि जब उसको लड़की छीन ली गई, उसको बाद में कहीं से पता चला कि इन्होंने परिवारी जनों ने उस लड़की की हत्या करके किसी नहर में डाल दिया गया है। फिर और उसने तहकीकात करी, जब और उसकी जानकारी पुख्ता हुई तो उसने 14 को यहाँ पर तहरीर दी कि उमरदा नहर में जो बेला के पास पड़ती है, दिनांक 29 जुलाई 2019 को लड़की के परिवारी जनों द्वारा, जिसमें कि उसके सगे भाई और चचेरे भाई, माँ और बहन, लगभग इसमें 10 अभियुक्त हैं, 10 अभियुक्तों ने एक उद्देश्य होकर के लड़की का अपहरण करके और उसका गला घूट करके नहर में उमरदा नहर में सुखी पुल के पास डेड बॉडी डाल दी। जब लड़के को पता चला तो उसने दरेली खाई। इस संबंध में जब जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें बनाई थी, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमें बनाई गई थी, और इसमें जो है 15 मोड़ से कल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि संदीप कुमार, उम्र 35 वर्ष, जिसकी माँ जो है मृतका की माँ गीतम बनपुर जो कि इसका भाई है लड़की का, और इंद्रा देवी जो कि इसकी बहन है, जो कि कन्नौज में ब्याही गई। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जल्दी ही हमें आशा है कि जल्दी ही हम बाकी 6 लोगों की गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से इनको जहां इनकी जगह वहां पहुंचाएंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये इसमें ऑनर किलिंग का पूरा प्रकरण है और अंतर जाति विवाह इन्होंने स्वीकार नहीं किया और उसके कारण परिवारिक जनों द्वारा ही एक राय होकर के लड़की की हत्या कर दी गई है।